23 अप्रैल रविवार भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा रोहतक में, परावर की उसी जमीन पर जिसकी जिस जमीन के ऊपर सरकार ने कब्जा किया था, पिछली सरकार ने भी कब्जा कर रखा था और पिछले साल 36 बरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर फरसादारियों ने फरसे के दम पर उस जमीन पर कब्जा छुड़वाया था। तो जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बनने लग रहा है, वैसे ही परावर में परशुराम मंदिर बनेगा और सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर कुरुक्षेत्र में 1 तारीख को सभी समाज की वहां पे धर्मशालाएं हैं, वहां पे न्योता दिया जाएगा पीला चावल देके और वहां पे भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा परावर में। इसके अलावा मुख्यमंत्री खट्टर साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अभी तक उस जमीन के कागज दिए नहीं है, घोषणा हालांकि 3-4 बार कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद हम मुख्य, क्योंकि भगवान परशुराम सब के थे, वो न्याय के देवता थे, तो हम सबको न्योता दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भी उस चीज का न्योता दे रहे हैं और स्पेशल भी देने के लिए आऊंगे। पूर्व मुख्यमंत्री है उनको भी, एमपी एमएलए सबको न्योता दिया जाएगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आम इंसान से लेकर सबको। इसके अलावा क्योंकि भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ फरसा उठाया था, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वहां पर क्योंकि आज हरियाणा के लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, कोई बेरोजगारी तो है, सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं, फैमिली आईडी की वजह से हैं बेरोजगार, आप विकलांग हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन काट दी, बीपीएल कार्ड काट दिए, तो वहां पर शिकायत के ढोल रखे जाएंगे, जिसकी जो शिकायत है शासन से प्रशासन से वहां पर अपनी शिकायत लाश के उसके बाद उनका समाधान जिस तरह करवा रहे हैं वो समाधान भी हम करवाऊंगे। इसके लिए एक हमने नंबर जारी करा है इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 70 27 822 822, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, इस पर कॉल करके। और ये भी संभावना है कि भाई हेलीकॉप्टर से वहां पर फरसादारियों पर सभी समाज के लोगों के फूलों की बरसात भी होगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सरकार अपने अपने पता है अपने अपने लिए तो घुमा ले फूल बरसा ले, लेकिन वहां पे ये भी और सब प्रसाद में और सबसे हम अपील करेंगे वहां पे पहली बार की तरह, क्योंकि 1008 प्रसादारी इस चीज का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रसाद में देसी घी का प्रसाद के अलावा परसे भी प्रसाद में मिलेंगे, क्योंकि न्याय का प्रतीक है भगवान परशुराम और जो जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। इसके अलावा हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी साथी हैं, जो भी हमने पिछले दिनों में पिछले 1 साल के दौरान आपको बताऊं, मैं पिछले 1 साल के दौरान बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक पर्टिकुलर एक जात की बात कर रहा है, उसका भला कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं और उन लोगों की जानकारी के लिए भी कि जब दादा दुलीचंद की बारात निकली थी, सरकार का फूफा जब जिंदा था, तो करीब 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी हुई थी, वो उनकी पेंशन बनी थी, तो हर बिरादरी के लोग थे। जब बेरोजगारों की बारात निकली है और सरकार ने अभी कहा है कि 65 सीईटी का रिजल्ट भी दिया, पेपर भी करवाया, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी भी देंगे, हालांकि कोई भरोसा नहीं है लेकिन दे देंगे तो अच्छी बात है, तो सब बिरादरियों की बात होती है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जो अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल थे, जो छोटे छोटे स्कूल थे, 200 200 300 300 रुपए लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी मान्यता खत्म कर दी थी और 31 मार्च तक का उनको नोटिस दिया था। तो उसके लिए आप लोगों ने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई उनको लेके उस कार्यालय के बाहर, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था कि हम मान्यता देंगे। हम गए थे और सरकार को कल ही मुझे पता चला है कि सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया, अभी 2 साल के लिए इनकी एक्सटेंड कर दी है। तो हमने जो काम किए हैं, हम जो काम कर रहे हैं लगातार,
मेरे ऊपर जब किसान वहां परेशान थे तो सिंचाई विभाग में प्रोटेस्ट किया तो वहां पे केस कर दिया, भाईचारे और नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा निकाली वहां केस कर दिया, बाहरी लोगों को पीजीआई के अंदर रोहतक के अंदर भर्ती किया जा रहा था, हरियाणा के लोगों को किया नहीं जब, तो वहां पे जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से जेल में जाना पड़ा, केस दर्ज कर दिया। तो एचपीएससी का घोटाला हुआ था, आप लोगों ने पता होगा कि हम ही लेके आए थे अड़ाई में गोमूत्र और गोबर अड़ा मन लगा डाला था। जब सरपंचा की बात आई थी तो उनकी भी आवाज हमने साथ मिटाई थी, कर्मचारी की पुरानी पेंशन का मामला हर जगह पे हमने संघर्ष करने की कोशिश करी है, लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करी है। जब दलितों के घर गिराए जा रहे थे तो वहां पे हम ही जाकर खड़े हुए थे उस बुलडोजर के सामने। तो हम कोई एक वो नहीं, 36 बरादरी है हर समाज के लिए, और हमने तो 37 बरादरी कहे हैं, 37 भी है बेरोजगारों की, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें हम सबको पक्ष विपक्ष सबको बुलाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक प्रोग्राम है, एक धार्मिक प्रोग्राम है, सबको बुलाओगे, सब अपनी भगवान परशुराम के मंदिर में मूर्ति निर्माण में हवन यज्ञ में अपनी आहुति दे सकता है, आप सब लोगों का भी न्योता है। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि जब हम जो काम कर रहे हैं इतनी पार्टियां वो भी कर सकते हैं। जब खेल कोटा खत्म हुआ तो आप लोगों को पता हो खेल कोटा के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, तब हम ही खड़े हुए थे, सोटा ले गए तो वो वापिस हुआ था। सरकार ने बहुत से निर्णय वापिस लेने पड़े क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय कर रखे थे। तो सबको पीले चावल देगा, सबको न्योता दिया जाएगा, पूरे हरियाणा में जाके हर सामाजिक संगठन को हर सामाजिक आदमी को हम बुलाएंगे, क्योंकि भगवान परशुराम सबके थे, पापियां का नाश करा था, पापी जो राजा था। तो हम तो यही कहे मुख्यमंत्री जी को भी जाओगे न्योता देकर आओगे, खट्टर साहब को भी, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को भी, सांसद ने भी, बाकी मैं तो यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी को आवे भी उसके सदबुद्धि, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा था वो कह रहे थे भगवान परशुराम का भगत हूं मैं, तो अच्छी बात, अगर वो भगत हैं तो जरूर आवे, सारे आवे, हम तो सबको बुला रहे हैं।